भारतीय सिनेमा में ट्रेजेडी किंग नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ली आखिरी सांस। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। काफ़ी समय से सांस लेने में दिक्कत की वजह के चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी सायरा बानो लगातार फैंस के साथ दिलीप कुमार का हेल्थ अपडेट शेयर करती जा रही थी। बीते दिन ही उन्होंने कहा था कि अब दिलीप कुमार की हालत में सुधार है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। दिलीप साहब के साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानो उनकी आखिरी सांस तक साथ रही। दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड और देश में शोक की लहर है। कई दिग्गज उन्हें नमन कर रहे हैं। दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा में ट्रेजेडी किंग नाम से मशहूर थे। जन्म से उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में आने के बाद अपना नाम दिलीप कुमार रखा। दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा जगत में 5 दशक की लंबी पारी खेली। इन्होंने बॉलीवुड में 1940 में कदम रखा था। दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। इसके साथ ही वो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी सम्मानित थे। दिलीप कुमार ने 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1947 में जुगनू उनकी पहली हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा किया था। उसके बाद दीदार और देवदास जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाएं निभाई। 1998 में बनी किला थी दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म। इसी के चलते मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। उन्होंने मुगल आजम में मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई थी। उसके बाद उन्होंने क्रांति, विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर जैसी फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म 1998 में बनी थी। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।